नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज पालीवाल मैरिज हॉल में कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के तत्वाधान में हॉल ही में नव नियुक्त समस्त पदाधिकारियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। समस्त नव नियुक्त पदाधिकारी गण को जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस का झंडा, अंग वस्त्र, कैलेंडर एवं डायरी देकर सम्मानित किया। ज्ञात हो कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन में कांग्रेस के महासचिव श्री विश्व विजय सिंह के द्वारा नई जिला कमेटी की घोषणा की है। साथ ही जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारी गण को उनका कार्यभार भी सौंपा गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री आशुतोष द्विवेदी ने कहा, जो नए पदाधिकारी गण की नियुक्ति हुई है वह वाकई काबिले तारीफ है। युवाओं और बुजुर्गों का ऐसा संगम पहली बार किसी कमेटी में देखने को मिला है। देश को चलाने के लिए युवा के जोश और बुजुर्गों के अनुभव की सख्त आवश्यकता है, जिसे हाई कमान ने बखूबी समझा है और अमल में लाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि हमें इस नई कमेटी से काफी उम्मीदें हैं और मैं समस्त पदाधिकारी से आशा एवं अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए राहुल जी एवं प्रियंका जी के कंधों को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारी कमेटी आई, जिला कांग्रेस की कमेटी आई, कमेटी लोगों का सम्मान तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना में लोगों की मदद की थी, लोगों का सहयोग किया, उन सारे लोगों को बुलाया गया है, उनको अप्रिशिएट किया गया है कि आप महामारी में जो लोगों की मदद की है वो बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। आगे कैसे मदद करेंगे, कैसे कोरोना महामारी से बचाव कैसे करेंगे और उसमें हमारी कमेटी क्या भूमिका होगी, इसी को लेकर कार्यक्रम कराया। सुदर्शन यादव जी का क्षेत्र में चुनाव आगे क्षेत्र में मजबूत अभी तो अपनी कमेटी अपना संगठन बनाया है और संगठन बनाने के साथ साथ कोरोना से कैसे निपटा जाए इसकी रणनीति बनाएगी, जागरूक किया।